अनूपपुर जिले के अनूपपुर विकासखंड के ग्राम डोला में कोयले की बंद पड़ी खदान में मत्स्य पालन विभाग द्वारा केज कल्चर विधि से मछली पालन की सफल गतिविधि का संचालन मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के ज्योति स्व सहायता समूह सदस्यों द्वारा विगत 1 वर्ष से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। बंद पड़ी खदानों पर केज कल्चर के माध्यम से मत्स्योत्पादन संसाधनों के उचित प्रबंधन का अनुकरणीय उदाहरण है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा नियमित रूप से मार्गदर्शन एवं समय समय पर तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिसकी वजह से हमारे विश्वास एवं उत्साह में वृद्धि हुई और हम अच्छा उत्पादन प्राप्त करने में सफल रहे। मत्स्य विभाग द्वारा मछलियों के विक्रय एवं उत्पाद के रख रखाव हेतु भी योजनांतर्गत सहयोग प्रदान किया गया है। प्रभारी सचिव ने शिवशेखर शुक्ला एवं कलेक्टर अनूपपुर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर ने बीते दिनों दौरे पर जाकर मत्स्य पालन विभाग एवं गतिविधि संचालक समूह सदस्यों को गतिविधि के सफलतापूर्वक संचालन के लिए बधाई दी। आज मछली नहीं निकाले? हाँ, आज नहीं निकला, कल निकाल दिया। आपको जरा टेंशन ना, ज़्यादा थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे। जी जी बहुत बढ़िया। यहाँ डालिए ना, थोड़ा वीडियो बनाएंगे, बात भी कर रहे हो, बात भी कर रहे हो। योगदान मत्स्य पालन विभाग से और आजीविका मिशन से उपलब्ध हुआ है, जिसके चलते हम लोग बेरोजगार जो रहे हैं तो एक रोजगार का साधन बन गया। हम लोग यहीं अपना रोजगार करते हैं, मछली। लगभग कितने लोग हैं इस समूह में, कितने लोग जुड़े हैं? ये 18 लोग का है, महिलाओं का है। और ये मत्स्य पालन की आपको ये आइडिया किसने दिया कि आप ये काम करिए जिससे आपको लाभ मिलेगा, एक आप पूरे समूह को लाभ मिलेगा? ये हमारे जो मत्स्य पालन के हैं शिवेंद्र सिंह परिहार जी, ये ट्रेनिंग पहले करवाए, ट्रेनिंग के बाद हमें महिलाएं गए रहे हैं। और उसके बाद कितना उत्पादन कर लेते हैं आप इससे? इसमें तो अभी 6 टन तक उत्पादन कर डाले हैं। लगभग एक महीने की कितनी कमाई आ जाती है पूरे समूह को? एक महीने की कमाई सभी सदस्य खाते में 5,000 आ जाता है। समन्वयक जी, ये मत्स्य से आज स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो रोजगार में हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं, मत्स्य व्यवसाय से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या है ये, किस तरीके से योजना का लाभ इनको दिया गया हितग्राहियों को? ये मत्स्य पालन के विभाग के द्वारा कन्वर्जेंस करके किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मत्स्य पालन दोनों का संयुक्त समन्वय के माध्यम से समूह को मत्स्य पालन की गतिविधि कराई गई है। डोला ग्राम है ये, डोला ग्राम में ज्योति स्वयं सहायता समूह है जिसमें 18 महिला सदस्य हैं। इनको सबसे पहले हमारे द्वारा समूह का चयन किया गया, समूह की ग्रेडिंग की गई, ग्रेडिंग करने के पश्चात इन लोगों का प्रशिक्षण कराया गया, एक्सपोजर कराया गया, इन्हें मत्स्य पालन के लाभ और उससे मार्केट के बारे में बताया गया। महिला सशक्तिकरण को लेकर एक अनूठा प्रयास जिले में किया जा रहा है, जहाँ मत्स्य उद्योग स्थापित करके रोज NRLM और मत्स्य पालन महिलाओं को सशक्त कर रही है। रोजगार, वो महिलाएं जो सुबह से शाम तक घर में गृह कार्य में व्यस्त रहती थी, आज वह रोजगार में है और 5 से 6 हज़ार रुपये महीना कमा रही है। ये एक अनूठा प्रयास है महिलाओं को जागरूक करने का, महिलाओं को सशक्त करने का और मध्य प्रदेश सरकार इस ओर अख्तियार कर रही है।